वो भाई अभी बहुत जबरदस्त आने वाली है आवाज, बहुत जबरदस्त बूम बांग आने वाला है। ओ भाई बोलते ही आ गया, बोलते ही आ गया भाई, देख रहे हो आज कैसे बालू पापा भविष्य। तो गाइस अभी अभी मेरे को नमन की मम्मी का कॉल आया, वो एक आश्रम जा रही हैं और नमन के फादर के लिए शी वांट्स टू डू सम सॉर्ट ऑफ डोनेशन और वहाँ पे खाना एंड ऑल वो बांटना चाहती हैं। एंड वो जा रही थी उमंग के साथ, तिवारी के साथ जा रही थी, तो शी वाज लाइक कि व्हाई डोंट यू जॉइन मी और चलते हैं साथ में। तो आई वाज लाइक ओके, तो लेट्स सी कैसा जाता है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस क्योंकि मैंने अलीगढ़ में एक बार डोनेशन किया था एंड ऑल, तो इट वॉज लाइक वेरी वेरी गुड फीलिंग फॉर मी। तो इस बार मुंबई भी देख लेते हैं कैसा लगता है, तो चलते हैं अभी नीचे। तो गाइस अभी हम लोग नमन के घर के बाहर आ चुके हैं एंड आंटी का इंतज़ार कर रहे हैं। नमन भी आने का हो रहा था लेकिन उसने अपना स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया तो ही वॉज नॉट एबल टू जॉइन अस। हमारे साथ इस वक्त हैं केतन के 18 पटेल, द ब्लॉगर, द कास्टर, द स्ट्रीमर, द प्लम्बर, नहीं उस फील्ड में जाना ही नहीं। हाँ वो वाला फील्ड एक और टकलू भाई है उनके लिए छोड़ दो। 8 तारीख से आज क्या हो गया, एक और 8 आने को आ रही है। अब मैं एक बार दो बार बाल कटवाने के लिए निकला था, उसके अलावा निकला ही नहीं हूँ मैं अभी तक। सारा वायरस रहता है, सबसे बड़ा वायरस आ चुका है। एंटीवायरस है तुम? अच्छा मेरे कंप्यूटर में बैठोगे? गाड़ी वाड़ी बढ़ गई है यार, जाना पड़ेगा, कल जाएंगे, आज का प्लान था लेकिन अब वी हैव रीशेड्यूल्ड इट फॉर टुमारो। तू भी शेव करा लिया यार, मेरी भी ना दाढ़ी बहुत आ चुकी है। शर्म आ रही है तो भाई देख, तो बोल रहा हूँ तिवारी ये कह रहे कि ये तो अभी तो उगली स्टार्ट हुई है, ज्यादा आ गई। आंटी इज हियर। आंटी कैसी है? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। कितने दिन बाद निकल रही आंटी? ये देख रहे हो जनता, फुल आंटी, आंटी इज रेडी टू बी अ स्ट्रीमर नाउ। ये रास्ता मरीन लाइन से होते हुए जाता है क्या? भाई किसी तरीके से, किसी तरीके से मरीन लाइन के आसपास से गुजार दो ना, वही ज्यादा हो जाएगा वहां से। मुझे पता था यार, मैं जो चीज विश करता हूँ ना वो कभी हो ही नहीं सकती यार। क्या बोला तुमने? दिन के टाइम तो कभी नहीं देखा, नहीं कभी जिंदगी में। सब आंटी मैंने सिर्फ मुंबई में मरीन लाइंस देखा, कुछ नहीं और कुछ नहीं, वो भी रात को। हाँ बस फेरी वेरी में बैठेंगे समुद्र में चल के। कौन सा फेरी? गेटवे ऑफ इंडिया। मैंने गेटवे ऑफ इंडिया तक नहीं देखा यार भाई, वो भी रात में जहाँ बड़े मियाँ पे जाते ना उसके पीछे, ये वहाँ गई नहीं। मैं बड़े मियाँ भी नहीं गया। ओ भाई 30 स्टार्ट हुआ ना तो तुम बड़े हो गए पागल ही। मैं 30 का बना दिया मेरे को, मैं 30 का नहीं हूँ भाई, मैं 93 हूँ। आधार कार्ड दिखा। आधार कार्ड भाई देखो, गोल्डी भाई, मर्सी और मामा तीनों एक ही एज के। गजब बात कर रहे हो यार, वो शादी हो गई। कौन? मैं 27 का। हाँ आंटी, आंटी 93। रेबेल जॉनसन बेबी पाउडर में फिनाइल मिला के लाई लो, कॉल बना के पीऊंगा। मॉडल का आ गया ना बंदे से, हम दोनों सेम एज के, 1997 नवंबर इंद्र को। ओ अभी तुम्हारा बर्थडे आना बाकी है गाइस, पार्टी तुम नवंबर तक हो यहाँ पे या नहीं हो? जी बैन हो गया तो इधर कास्टिंग नहीं होगी। नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं ना, ये वाला नहीं चल रहा। गाइस बाहर जाते हैं ना सबसे पहला धक्का टेक होता है, बाहर कौन कौन गया है। हाँ। नाम भेज दो तो कॉल आता है, वापस जाओ तो जान है तो जहान है। हाँ। ठीक है वापस जाओ, मरना है क्या? वो वाला डायलॉग नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, मरना है क्या तेरे को? मरना है। अभी हम लोग सीधे कहाँ जा रहे हैं आंटी? एपीएमसी मार्केट। एपीएमसी मार्केट, तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एपीएमसी मार्केट और फिर वहाँ से सीधे आश्रम। चश्मा ओपी भाई, Thank you.
I've done my best and my worst, learned my lessons. No matter how hard my life would treat me, I'd always get right back up, never worry. One echo. ये भी हो गया। लेस किधर है बे? लेस यहाँ पे तो शायद है नहीं गाइस, तो यहाँ पे हो गई है थोड़ी सी दिक्कत। ये याद है किसी को? ये चीटोज बचपन में खाते थे, चीज बॉल्स। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, आश्रम। यहाँ पे ये पूरा अपार्टमेंट है, बहुत ही सेक्सी सा। और यहाँ पे पता नहीं किसी जगह पे आश्रम होगा हमारा, और वहाँ पे हम जो है सामान लेकर जाएंगे। अभी तिवारी इज़ अनलोडिंग द सामान, और सामान हमारा थोड़ा बहुत अभी निकल चुका है। तो अभी हम लोग जाएंगे और वृद्ध आश्रम में जाके देंगे सामान वहाँ पे लोगों को। एंड इट इज़ सुकून पार्ट टू गाइस, सुकून 2.0, अ गुड फीलिंग ऑल ओवर अगेन। अभी पता नहीं कौन सी जगह है, आई डोंट इवन नो ये कौन सी जगह है। कुलवा, हम लोग कुलवा में यहाँ पे वृद्ध आश्रम है। चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा माहौल है, क्या है, क्या सीन है। विद कैमरामैन केतन के साथ, संवाददाता मांबा के साथ SADL न्यूज। How are you feeling? Good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। अच्छा, तो किसी ने तेल और दाल और डोनेट किया था। ओके, बाकी तो चावल जो लखन बचे, तो जो भी पैकेट निकला और डोनेट किया था। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार जब हमें पता नहीं था तब मैंने इनको पूछा था कि क्या मतलब क्या ये लोग खाते हैं, आप उनके हिसाब से कहने लगे हम बना देंगे, यहाँ पे आपकी जो मेनू हो आप बता दीजिए, मैं यहाँ बना देंगे या नीरी से आप आइएगा खिला दीजिएगा। जब हम आए पहले तो हम बना के लाए थे, फिर हमने एक बार इनको पैसे भी दिए 3000 रुपये। उसके बाद फिर तो हमें जो चीज़ की आपको ज़रूरत पड़े वो चीज़ हमारे व्हाट्सएप पर आप कर दो, इनके साथ रख सकते हैं हम, तो जो चीज़ की ज़रूरत होती है हम। अच्छा, ये आपको व्हाट्सएप कर देते हैं, आप दे देते हैं। किसी के बच्चे नहीं रहे वो कहाँ जाए, तो यहाँ पे आ गए तो वो बात तो ठीक है, लेकिन जिनके हैं वो मौका नहीं समझ में आता। दिस इज रॉन्ग। नहीं, जो भी चीज़ है कौन छोड़ता है, इज नॉट द वर्ड टू क्वांटिफाई इट। मतलब मेरे हिसाब से ये रॉन्ग भी नहीं, ये कोई थ्योरी नहीं है, दिस हार्डली मेक सेंस। तो अगर आप पैदा हुए और अगर आपको पैदा होते ही कोई अबैंडन कर दे तो सही है कि बुढ़ापे में कोई आपको अबैंडन कर दे? वही तो। आंसू रो रहा है क्या? तेरे लिए भी, तेरे बाद में अभी, तेरे लिए भी रुक जा, 20 का 3 पीस का चैलेंज है। भाई दे टिश्यू दे। मैं कह रहा हूँ कि तुमने जितना अभी खाया उसका तुम डबल खाओ, और जितना अमाउंट था उसका डबल मैं दे रहा हूँ। अब बता, अब बता है, ठीक है, 40 कितना कितना होगा, कितना मामला, 50,000। अरे 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 खैरियत तो है, ओ यही इन पे कैसे आई, क्या हालत देख लो। मैं ऐसे ही दे रहा हूँ भाई 50,000 आपको। अभी भूखा पेट बैठा था, भूखे पेट 14-18,000 रुपए मिले। लेकिन जो भी सुन ना, इसको जो क्रेव हो रहा था ना चिकन खाने का, आज तो सारा 6 पीस खाना है। देखो अगर ये 6 पीस और खाएगा तो मामा अपनी तरफ से कितना है? 25 पूरा। पूरा 25,000 रुपए का भाई। नहीं एक बात बता, मैं डबल खा रहा हूँ, ठीक है? हाँ तो पैसा डबल, डबल क्यों? अभी दिया और 25 बार पैसा, वो तो 25 3 खाने का मिला ना, 50 मिला चाहिए का।
भाई देखो भाई सुनो सुनो देखो साफ बात गणित मत लगाओ 25,000 कमाने का मौका है बस दैट्स इट नहीं हो पाया भाई उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं एक और नहीं खा पाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर रेगा मैं मर्सी केतन उमंग और डीजे सोलो अभी पहले हम लोग जाएंगे हेयर कट के लिए क्योंकि केतन और रेगा को भी करवाना था मैं भी करवा लूँगा लगे हाथों और फिर उसके बाद एक जगह जाना है काम से तो अभी निकलते हैं गाड़ी हमारी निकल रही है देख लिए बाहर और चलिए चलते हैं फौरन आज जो है मैंने देखा सुबह जो है 25,000 जब मैं सोने गया था मैंने देखा एक चैनल पे पहले से 25,000 मैंने कहा यार केतन का अपलोड तो 12 बजे होना था यार एक चैनल पे पहले से 25,000 पे आ चुका था भाई हाईलाइट चैनल फटाक से भाई इंडियन हाईलाइट चैनल हमारे से ज़्यादा फास्ट है केतन का कॉम्पिटिटर कोई नहीं होना चाहिए ये बंद कर ये बाहर से ये निकालो अंदर क्या 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 मैं कॉम्पिटिटर हूँ तुम्हारा भाई हूँ तुम्हारा भाई मेरा सेकंड चैनल है स्केटिंग ब्लॉग्स और पीटीएम गेमिंग मैं अपना अपना ब्लॉग तो डाल दे 25 के मेरे को अब बताते दिया तेरे को कोई ऐसा ना हो बाइक से आया मेरे हाथ से फोन लेता हुआ निकल जाए भाई तुमने 25,000 जीते हो या ना जीते हो तुमने कितने भी चिकन विंग्स खाए हो सवाल एक है मेरा सुबह की टट्टी कैसी हुई अरे मैं कह रहा था उमंग ये अपना रास्ता जो है वहाँ मरीन ड्राइव से होते हुए जाता है क्या नहीं तुमने वादा किया था उमंग मिलते हैं कुछ ही क्षणों बाद आई थी शायद कुछ 1990 समथिंग में तुम क्या 2020 सदी के हो गए माँ कसम क्या है ना कुछ कुछ होता है शायद देखा DDLJ कुछ कुछ होता है ये सब नहीं देखा तुमने देखेंगे भाई देखा होगा तो दिमाग सही नहीं है हाँ लेकिन मूवी अच्छी थी जो बात है और किटन KITTEN किटन गेमिंग रेगल्टॉस किटन गेमिंग हाय ये ऐसे नहीं आगे सीधी स्माइल प्लीज सुनो कैसे हो ओए बे जोकर ये क्या करे बे तुम तुमने ये क्यों कराया ओ भाई मैदान साफ कर मैदान साफ अबे वो कौन सा कोरिया का वो प्राइम मिनिस्टर है जिसका वो होता है हैं जॉनजिन हूं हैं जॉनजिन माँ कसम बे तुम उसका दूर का कजन सोचने वाला तो नहीं माँ कसम बे ये आपसे इसने बोला है आपने खुद घुमा दिया अरे हमने बोला है तुमने बोला है अबे गिर गए थे क्या सुबह बिस्तर से नहीं। सोते में पागल कितना सही लग रहा था बे नहीं ऐसे सही है अब पिघलेगा ना कोई अब सही है थोड़ा सा मर्सी का लड़का बोले कि क्यूट लग रहा है बेबी बेबी से लगेगा ना कोई ये पता है हालत देख लो भाई केक लग रहा है भाई केक लग रहा है वो भी अड्डे का देख इश्वे यहाँ पे इतनी लाइटिंग नहीं है लगा 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 उसकी तरफ देख एक बार सामने देख के खिंचवा ले एक बार उसकी तरफ देख के खिंचवा ले फोटो खींचना कोई लिमिटेशन थोड़ी है जो अच्छा लगेगा वो डाल देगा कितना ज़ूम पे ले रहा है क्या ले रहा है क्या बात इधर देखना तू इधर
जीना आराम हो गया फोटो खिंचवाना। अच्छा भाई, अच्छा है बे, अच्छा लग रहा है। तेरे को यही चाहिए ना? हाँ, पर अब देख भाई, तू शर्ट सही करवा दे, मैं कैसे करूँ? तू शर्ट देख मेरा यार। तो रहेगा, सिर्फ वही करा था इन्होंने। सेटिस्फाइड हो? कट कट मामा का ब्लॉग। है सेटिस्फाइड हो? इससे मतलब यहाँ के फोटो को अभी देखते हैं। अभी फोटो में ढंग से देखा नहीं। अभी ढंग से देखना भी मत। अभी जब एडिट हो जाएगा ना, तब ढंग से देखना। तब देखूंगा। केतन कर देगा? घंटा करेगा। केतन कर देता है? अब नहीं करूंगा मैं। रहेगा देखा क्या? और रहेगा सब खैरियत? और हेलो, पूछो। ओ हेलो भाई, इनको तो मैं भूल गया भाई। भाई ये करंट कंटेंट है भाई। टिंग योंग सर, आप सुबह में GT5 की शिल्प पे गए? हाँ। मुंबई में करेंगे? हाँ। कौन कौन? कल अगर आज चल गया तो मैं, बरसी, तुम और गोल्डी का, चार लोग। ओके, तब उत्पाद मचा देना है GTA 5 में। अरे टकले पे देखे भाई, उत्पाद मचा देना है। मर्सी उत्पाद? मर्सी तो फोड़ देंगे। अरे मर्सी का है? मर्सी का है। ला ला। सर कोरियन भाषा में एक दो वर्ड। मामा की माँ। ओ भाई अभी बहुत जबरदस्त आने वाली है आवाज, बहुत जबरदस्त बूम बांग आने वाला है। ओ भाई बोलते ही आ गया, बोलते ही आ गया भाई। देख रहे हो आज कैसे मालूम पापा? भविष्य कैसे मालूम? लाइटनिंग गिरा है ना, लाइटनिंग दिखाया ना उसके, क्या कहते हैं, 3-4 सेकंड में आ जाता है। हालांकि 8 सेकंड में आता है, 8 से 9 सेकंड में, लेकिन पता नहीं क्यों जल्दी। हेलो बॉट। हाय, हाउ आर यू बॉट? आई एम ग्राइंडिंग हार्ड। यू आर ग्राइंडिंग हार्ड? यस। जस्ट बिकॉज केतन जो है ब्लॉग एडिट कर रहा था, तो मैंने और रजा ने डिसाइड किया कि हम कुछ देर जो है क्या कहते हैं साथ बात बताएंगे। नेट कैसे नहीं चलता भाई? 2v2 है भाई, सामने वाले ने ओन गोल कर दिया। रहन दो भाई, रहन दो भाई, तुम्हारा कुछ नहीं था। हकते हकते गोल हुआ भाई, उसने ओन, जैसे तुमने पिछली बार किया था ना रेगा, वैसे इस बार हुआ है। छी भाई रेगा, भाई रेगा हद हो गई भाई। और बताओ केतन, व्हाट इज अप? कुछ नहीं भाई, एडिटिंग चलती है, कल सुबह 12 बजे वीडियो भेजने के लिए। रिलैक्स। टाइम कितना हो रहा है? 6 बज रहा है। 6 बज रहा है। जाओ, कौन सा गोल तुम्हारा और अपना है? ये बस इस चीज पे गौर करो कि तुमने कितने गोल मारे एट द एंड ऑफ द मैच। एग्जैक्टली। हां, तब तुम्हें अच्छा फील होगा। चलते हैं ना, वहां पे 6 में से 4 तो इनके है, ओपनर का। तो 6 का स्कोर लाइन है, 6 में से 4 इनके है। ओ भाई पिछले कुछ दिन हमारे बहुत ही प्यारे गुजरे, और ये पिछले कुछ 2-3 दिन की कहानी थी जो आप लोगों के सामने थी, और कुछ बातें हैं जो कि मैं कहना चाहता हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा शुरुआत में मैं नमन की मम्मी के साथ गया, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, एक बहुत एक ज़रूरी चीज़ अपने दिल से, कि अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि आई वॉज़ डीपली अफेक्टेड जब मैं वहाँ पे था, और माँ बाप से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। और बस यही कहना चाहूँगा, उनको अपने पास हमेशा रखना, उनको उनका ख्याल हमेशा रखना, उनसे प्यार हमेशा करना, और माँ बाप से बड़ा प्यार करने वाला और उनसे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। तो बस अपने करीब लोगों को वैल्यू देना हमेशा, क्योंकि अगर उनको वैल्यू नहीं दिया तो फिर कभी कुछ नहीं किया। अपना ख्याल रखना गाइस बहुत सारा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरी बातों पर ज़रूर गौर करना गाइस। लव यू ऑल एज ऑलवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टिल देन, अगले ब्लॉग तक टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।